हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त कीर्ति राजपूत और एक और नया टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं। सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान कई सपने देखते हैं। उन सपनों का आखिर में क्या मतलब होता है, वो हमें क्या संकेत देते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सावन का महीना शिव का पवित्र मास है। सावन में ही देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और इसमें से निकले हलाहल विष को पीकर भगवान शिव ने मानव जाति का कल्याण किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव के प्रति आस्था और कृतार्थ प्रकट करने का माना गया है। इस महीने में सपने में भगवान शिव के दर्शन करना, शिवलिंग को देखना और उनके प्रतीक चिन्हों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे सपने देखने का अर्थ है कि शिव जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आपको जल्द ही धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए आपको बताते हैं क्या है इन सपनों का अर्थ। सावन के महीने में सपने में काले शिवलिंग को देखना शिव की भक्ति का फल माना जाता है। ऐसा होना साक्षात भगवान शिव के दर्शन होने के समान है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपको अपने से जुड़ी कोई खुशखबरी सुनाई पड़ सकती है। अगर कोई कुंवारी कन्या सपने में शिवलिंग देखती है तो इसका अर्थ है कि जल्द ही उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होने वाली है। सपने में डमरू का दिखना। वास्तु में डमरू को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके सपने में शिव जी का डमरू दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना के वक्त भगवान शिव ने डमरू बजाकर ही 14 स्वर निकाले थे, इसलिए डमरू की ध्वनि को बेहद खास माना जाता है। सावन मास में सपने में डमरू दिखना शिव तत्व की प्राप्ति का संकेत देता है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करने वाली है और आपके सभी कार्य बिना बाधा के पूरे हो जाएंगे। सपने में त्रिशूल का दिखना। भगवान शिव के त्रिशूल को रज, तम और सत तीनों गुणों का समावेश माना जाता है। इन्हीं तीन से मिलकर शिव जी का त्रिशूल बना है। सपने में यदि आपको त्रिशूल दिखाई दे तो समझें ईश्वर कृपा आप पर है। सपने में त्रिशूल का दिखना इस बात का संकेत है कि आपकी समस्त परेशानियां दूर होने वाली हैं और अब आपको हर कार्य में लाभ होगा। सावन के महीने में सांप का दिखना। सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आपको साक्षात नाग कहीं नजर आए तो नजरें झुकाकर उन्हें प्रणाम करके धीरे से निकल जाना चाहिए। वहीं सपने में भी नाग देवता के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं सपने में सांप दिखना धन वृद्धि का संकेत माना जाता है। नंदी के दर्शन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदी को शिव का गण माना गया है और ये उनके वाहन भी हैं, इसलिए सावन में नंदी के साक्षात दर्शन होना भी अच्छा होता है और यदि नंदी सपने में आए तो ये भी अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की आज्ञा से नंदी ने आपको सपने में आकर दर्शन दिए हैं। अब जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यदि इनमें से आपको सावन के महीने में कोई भी सपना या इस तरह का कोई सपना दिखाई दिया हो तो आप खुश हो जाइए कि आपका आने वाला समय अच्छा होने वाला है, आपको शुभता मिलेगी और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।